तो लोग कहते हैं हमसे क्या लेना देना। आप इसका सीधा उदाहरण देखिए कि जब निजीकरण शुरुआत हुई थी तो एक एक कंपनी के एक एक मतलब एक एक विभाग को बेचा जा रहा था, और जब नंबर आया BSNL के बाद रेलवे का तो सब एकजुट हो गए कि नहीं मेरा नंबर आएगा। और हमारी जो डिमांड है गवर्नमेंट से वो दो ही हैं, एक तो ये है कि कोरोना में जो दो साल बर्बाद हुए, एक अनप्रोडक्टिव ईयर रहा है जिसमें हम लोग तैयारी कोई भी स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाया है अपने अच्छे से मतलब, और दूसरा है पारदर्शिता की डिमांड। सरल भारत न्यूज। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में अगर सबसे हाईएस्ट लेवल के पोस्ट की बात की जाए तो हमारे दिल और दिमाग में एक ही नाम सामने आता है, IAS, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में भी जानते हैं, जिसकी तैयारी करने हजारों और लाखों की संख्या में लोग दिल्ली के मुखर्जी नगर में आते हैं। ऐसे में जब UPSC का एग्जाम 5 जून 2022 को होना तय है, ऐसे में हमारे कुछ नौजवान छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं और सरकार से इनकी क्या मांगे हैं। नाम है सर आपका? हाँ सर, मेरा नाम है सर संजीव कुमार जी। किसकी तैयारी करते हैं आप? हम सर तैयारी करते हैं SSC CGL की। अच्छा, तो ये मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा ये है सर कि सर दो साल जो कोविड रहा सर, पूरी दुनिया में रही, पूरी इंडिया में रही, हर एक जगह रहा, तो उसके वजह से जो भी सर छात्रों का नुकसान हुआ, सही से उनके पेपर नहीं हुए, सही से वो दे नहीं पाए, सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सही से उनकी स्टडी नहीं हो पाई, सही से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो हम चाह रहे हैं, सरकार से चाह रहे हैं कि सरकार हमें रिलीफ दे, हर एक एग्जाम वाले को रिलीफ दे, यहाँ मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है उनको रिलीफ दे, UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, आर्मी हो, बैंकिंग हो, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में दे। यहाँ तक कि 6-7-8 स्टेट ने भी अभी तक रिलीफ दे दिया 2-2 साल का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक नहीं दे रही है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सोहन कुमार। सोहन कुमार जी, किसकी तैयारी करते हैं आप? मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, मगर 2020 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, और अभी मैं एज पार्ट कैंडिडेट हो गया हूँ, अटेम्प्ट मेरे कम्प्लीट हो गए हैं। और डिमांड जो हम लोग कर रहे हैं अभी, जैसे संजीव सर ने बताया, दो कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड है कोविड को कंसीडर करते हुए, क्योंकि कोविड जब आया था 2020 में और 2021 में, तो ये वो समय था जिस समय मतलब कुछ भी सारी व्यवस्था जो थी भंग हो गई थी, किसी भी तरीके से आप देख लो, चाहे हॉस्पिटल्स का हो, चाहे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर फिर रहे थे, काम धंधे कोचिंग्स वगैरह बंद हो गए थे, मटेरियल्स मिलना मुश्किल हो गया था, लोग पलायन कर चुके थे अपने गांव की तरफ, और तमाम लोग जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोरोना अफेक्टेड भी थे और कोरोना वॉरियर्स थे, तो उस समय वो ना तो अपनी पढ़ाई कर पाए और ना अपने जो उन्होंने मुकाम साधा था अपना बेस्ट दे पाए। अच्छा, एक और बात, जब UPSC में जब कोरोना आया था हमारे साथ, ठीक है, तो कोरोना में जो है ऐसा तो हुआ नहीं था कि एग्ज़ाम रुके थे, एग्ज़ाम तो हो रहे थे। मैं आपको बताऊं, मेरा भाई खुद बैंकिंग की तैयारी करता है, और उस कोरोना काल में भी वो एग्ज़ाम देने गया है विथ मास्क एंड सैनिटाइजर, ठीक है। बाकी मैं बात कहूं कि तो कुछ ऐसे पेरेंट्स भी थे जो अपने बच्चों को नहीं जाने दे रहे थे घर से, कह रहे थे कि आपको कोरोना हो जाएगा, जान रही तो और भी एग्ज़ाम देंगे हम, तो मानते कि नहीं मानते, ये भी हुआ था इसमें? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जब आप खुद ही बता रहे हैं कि जब अफरा तफरी का माहौल था, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए, मुझे याद है जब ये UPSC का पर्टिकुलर एग्ज़ाम हुआ था 4 अक्टूबर 2020 को, उस टाइम भी 75,000 केस थे, और बहुत सारे स्टूडेंट सेंट्रल एग्जामिनेशन जो सेंटर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कोरोना ग्रसित थे, वेंटिलेटर पर थे, और बहुत सारे वैक्सीन ढूंढ रहे थे, अपने माता पिता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल्स का क्या हाल था, तो ऐसी मानसिक दबाव की स्थिति में जो कोरोना में मतलब लोग अपनी जान को मतलब जोखिम में डालना बहुत मुश्किल था, राइट, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर पढ़ाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रितेश चतुर्वेदी है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं कोल इंडिया की WCL की वैकेंसी की तैयारी कर रहा था, तो ये कोविड की वजह से जो वैकेंसी हमारी मार्च में आनी चाहिए थी, महाराष्ट्र में जानते हैं वो एपिसेंटर था, कोविड सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही था, वहाँ 50% स्टाफ का रिस्ट्रिक्शन था, ऑफिसेस बंद थे लॉकडाउन में, तो इसी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सारा देरी से हुआ, और जो हमारी वैकेंसी मार्च अप्रैल में आनी चाहिए थी वो अक्टूबर में आई, जून तक मैं एलिजिबल था, अब वैकेंसी में देरी के कारण मुझे एग्ज़ाम देने नहीं मिला, तो हमारा यही मांग है कि वन टाइम। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम अश्विनी कुमार यादव है। अच्छा, एक छोटी सी स्टोरी है, हम लोग 2 दिन पहले भी यहाँ आ चुके हैं, ये पीछे कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा मार्केट को आप दिखा दीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है, आप लोग देख सकते हैं, और
मुझे लगता है इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, इसका क्या रीज़न है ये भी हम थोड़ा देर में चर्चा करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि तो एक छोटी सी स्टोरी है, दो गर्ल्स आपस में बात कर रही थी दो दिन पहले, मैं यहाँ आया हुआ था, नाश्ता कर रहा था, तो उनका कहना था यार ये लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और जो है अभी PCS जो UPPC स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 40 साल या 42 साल एज होती है, उसमें ये लोग ट्राई क्यों नहीं करते हैं, और ऐसे में जब अभी UPSC का पेपर है हमारे सर पे, ये लोग क्यों बैठे हुए हैं? सर देखिए, ये इस समय देश का दुर्भाग्य चल रहा है कि हर कोई दूसरे का जब मुद्दा होता है तो लोग कहते हैं हमसे क्या लेना देना। आप इसका सीधा उदाहरण देखिए कि जब निजीकरण शुरुआत हुई थी तो एक एक कंपनी के एक एक मतलब एक एक विभाग को बेचा जा रहा था, और जब नंबर आया BSNL के बाद रेलवे का, तो सब एकजुट हो गए कि नहीं मेरा नंबर आएगा। बैंक आप देख लिए, दो बैंकों का निजीकरण जब किया गया, मतलब प्रस्ताव दिया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, तो जब ये दिया गया तो सभी बैंकों को लग गया, क्योंकि 6 बैंकों को मर्जिंग की जा चुकी थी, तब सबको लग गया कि नहीं मेरी भी अब खतरे की घंटी है। उसके पहले लोग कहते थे कि नहीं हमसे क्या मतलब, तो जो आपने कहा है वो वही चीज़ है। तो लोगों को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, ये ना सोचे कि नहीं मेरे जो चीज़ें आज हो रही हैं आप चुप रहेंगे कल आपके ऊपर होंगी, इसलिए जो हो रही है अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है, आप खुद नहीं आवाज़ उठा सकते तो कम से कम उसके पीछे लग जाए। मेन मुद्दा ये भी हमारा कि 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आई है, ठीक है, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा था, ठीक, तो कोई आर्मी की भर्ती भी नहीं आई 3 साल से, और उसमें एज 17 से 21 रहती है, जिसमें हमारी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी भर्ती आए और 21 प्लस से एज बढ़ाई जाए, 2 साल, कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए आर्मी में, तो ये भी हमारी डिमांड है। ये अकेला नहीं है अटेम्प्ट, UPSC, SSC, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनमें सबको एज रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, इसकी मांग है हमारी। ठीक है सर, थैंक यू सभी का। आपका क्या नाम है सर आपका? मैं अरुण भारद्वाज। तो क्या मुद्दा है ये सर, यहाँ पे जो मुद्दा हो रहा है क्या चल रहा है? मैं अरुण भारद्वाज, तिमारपुर विधानसभा के अंतर्गत टीम हैदर के लिए, जो है टीम हैदर के अंतर्गत काम करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमारी है, हम लोग काफ़ी दिनों से यहां पे काम कर रहे हैं, और ये अभी एक नया मुद्दा 10-15 दिनों से ये लड़कों का जो स्टूडेंट्स का मुद्दा है, ये बहुत ही जायज़ मुद्दा है। इस पे सरकार को और यहां पे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे जिस चीज़ के लिए वो अध्ययनरत हैं, चाहे वो UPSC के लिए हों या कोई वन डे एग्ज़ाम के लिए हों, चाहे जो है प्रदेश प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए हों, जिस चीज़ के लिए भी हों, उन्हें इन लड़कों से, इन स्टूडेंट्स से आके जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके मुद्दों को समझना चाहिए और उस पर अपनी सहमति या असहमति बतानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और अपनी सहमति या असहमति बताएँ। तो सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही इन मुद्दों पे? सरकार के लिए कोई विशेष मुद्दा नहीं है, विशेष मुद्दा स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष मुद्दा है, सरकार के लिए तो ना जाने कितने मुद्दे घूम रहे हैं, उन्हें जब उन सब मुद्दों का जो है जमीनी मुद्दों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो UPSC की बात है। तमाम लोग उसमें जो संसद में बैठे हुए समझ भी नहीं पाते होंगे UPSC है क्या, तमाम ऐसे हैं वहाँ पे इलेक्टेड लोग पहुँचे हुए हैं अंगूठा टेक, जो समझ ही नहीं पाते होंगे कि UPSC है क्या। तो सरकार अभी किस मुद्दे पे ध्यान दे रही है ज़्यादा, आपको क्या लगता है? सरकार सारा ध्यान दे रही है, जो वर्तमान सरकार है केंद्र की सरकार, वर्तमान सरकार सारा ध्यान अपने दे रही है कि कैसे हम पूरे भारत में अपना जो झंडा फहरा दें और हर प्रदेश में हमारी जीत हो, हमारी सरकार बन जाए। अच्छा, इस तरफ ध्यान दे रही है, मतलब स्टूडेंट का जो रोजगार के प्रति है वो उस पर कोई काम नहीं कर रही सरकार? अभी भी काम नहीं कर रही है। मैं तो आपको आंकड़े तो पूरा फिक्स नहीं बता पाऊंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की जो शिक्षा पद्धति, भारत के जो शिक्षा का बजट होता है पूरा सेंट्रल का, उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना तो जो बाहर लड़के पढ़ने जाते हैं, कुछ लड़के जो पढ़ने जाते हैं, सारे लड़के तो भारत के जाते नहीं पढ़ने, लेकिन जो कुछ लड़के पढ़ने जाते हैं उसका कई गुना जो है पे वहाँ पे करना पड़ता है। ये हमारे भारत सरकार का जो है रवैया 2014 के बाद। अच्छा, इमेजिन करते हैं कि सर आपकी सरकार है अभी, तो क्या आप इन स्टूडेंट की जो मांगे हैं वो मान लेते? हमारी सरकार, हमारे जो है नेता हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने एक बार इन स्टूडेंट्स के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को बहुत बढ़िया तरीके से जो है उसको सॉर्ट आउट किया था, 2015 में दिया था। और दूसरी चीज़ कि वो सच में सोचते हैं युवा के बारे में, अगर कोई नेता भारत में सोचता है सच में युवा के बारे में तो है माननीय राहुल गांधी जी। लेकिन उनको तो कहा जाता है राहुल गांधी सर को कि जो है वो एक अच्छे नेता नहीं है, मतलब ये तो वही है जैसे दुष्प्रचार कर दिया जाए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर किसी का मोबाइल गायब हो, वो हमारे ऊपर जो है दुष्प्रचारित कर दे कि हो सकता है वही लेके गए हो, तो कितने लोगों से मैं सफाई देता फिरूंगा कि मैं नहीं लेके आया हूँ।
वही हाल राहुल गांधी जी का, कितने लोगों को साबित करते रहेंगे। जबकि देश को खुद समझना चाहिए कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं समाज का, कोई ऐसा जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे नहीं जिस पर राहुल गांधी ने अपनी शुरुआत न की हो। राहुल गांधी हर मुद्दे पे शुरुआत किए, लेकिन यही है कि तमाम मशीनरी तमाम जो है टेक्नोलॉजी लगा के उनको जो है पप्पू साबित किया जा रहा है, गप्पू साबित किया जा रहा है, या भ्रष्ट साबित किया जा रहा है, क्या कहा जाएगा। चलिए सर, थैंक यू आपका। हमारे साथ एक मैम है और ये हमारे दर्शकों से कुछ बात कहना चाहती हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि ये मैम क्या कहना चाहती हैं हमसे। हम लोग सर यहाँ 3 मार्च से बैठे हुए हैं रोटेशनल हैंगर हंगर स्ट्राइक पर, सभी स्टूडेंट्स और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर हैं। और हमारी जो डिमांड है गवर्नमेंट से वो दो ही हैं। एक तो ये है कि कोरोना में जो 2 साल बर्बाद हुए हैं, एक अनप्रोडक्टिव ईयर रहा है जिसमें हम लोग तैयारी, कोई भी स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाया है अपने अच्छे से मतलब। और दूसरा है पारदर्शिता की डिमांड, क्योंकि और ये जो डिमांड है वो मतलब इसको ऐसे ना जोड़ा जाए कि सिर्फ एक जो हारे हुए लोग हैं जिनकी एज चली गई है वो डिमांड मांग रहे हैं। ये सब सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनकी एज चली गई है, ये सभी के लिए है। लाइक एग्जांपल अगर मैं दूं तो मतलब जैसे 8 स्टेट ने दिया है रिलैक्सेशन, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड और ये जम्मू कश्मीर। तो उसमें जब दिया है तो वो सभी को ही दिया है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, क्योंकि ये जो वेस्ट हुए हैं 2 साल जिंदगी के वो सभी स्टूडेंट के हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्टर था चाहे वो लास्ट अटेम्प्टर था। और हम ये कहें कि देखो स्टेट पीसीएस में 45 साल की उम्र दे रखी है और जो अदर एग्जाम है मान लो यूपीएससी की जनरल की 32 दे रखी है, इसका अगर हम लगाएं, या आर्मी में 21 दे रखी है कि उनको इतना ही चाहिए, तो ये नॉर्मल ईयर के लिए ये चीज़ें बनी थी। और हर एग्ज़ाम का अगर उन्होंने रखा है स्टेट में 45 ईयर अगर रखी है तो कुछ सोच के ही तो रखी होगी। ये तो नहीं है कि 45 ईयर के बाद कोई दिमाग से मतलब पागल हो जाता है कि फिर वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकता, ये फंडामेंटल राइट की बात है। तो मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, चाहे वो स्टूडेंट हो, उनकी फैमिली हो या अदर सिटीजन ऑफ इंडिया हो। थैंक यू मैम। दर्शकों, आपने इन छात्रों की बातें सुनी और अगर आपको लगता है कि इनका मुद्दा जायज़ है और इन्हें न्याय मिलना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 20 दिन से इस गद्दे पे सोने के लिए मजबूर हैं जो नीचे बिछा हुआ है, और इसके आसपास आपको गंदगी भी दिख सकती है, काफ़ी गंदगी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के सारे सामान भी हैं। ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पर बैठने के साथ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो शॉप खुली है वहाँ से खाने की स्मेल भी आती है। तो अगर कोई आप भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और उसके सामने आप खाने की स्मेल भी डाल दो तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। आप लोग इनके मुद्दों पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सहयोग करिए। अगर आपको मेरी राय लगती है सही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी राय गलत है तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमें मोटिवेट करने के लिए आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पर्सनल सुझाव है जो हमें सुनना चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID शुभम पांडे या फिर SP_fact_101 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी सरल भारत की पूरी टीम आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई करेगी। थैंक यू। मैं शुभम पांडे, कैमरामैन शिवम चौहान के साथ सरल भारत न्यूज़ से।